तो अपने एस्टिमेटिंग वोलाटिलिटीज का चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें एक सेशन अपना हुआ था दैट इज ऑन सिंपल मूविंग एवरेज. आज अपने उसमें आगे मूव कर रहे हैं, दैट इज द अदर मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वोलाटिलिटीज. ठीक है, ये दोनों मेथड्स जो है मैंने आपको उस दिन भी कहा था, दोनों मेथड्स आर प्योरली प्रैक्टिकल मेथड्स, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में. कोई भी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का बुक उठाओगे उसमें आपको बहुत सारा पेजेस मिलेगा गार्च के ऊपर. ठीक है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. और ये चैप्टर एग्जाम वाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार एग्जाम में इसमें फोर फोर क्वेश्चंस भी आए हैं इस चैप्टर से, सिंगल चैप्टर से फोर क्वेश्चंस, राइट. तो आज का सेशन में क्या कर रहा हूं, सिंस गार्च इन्वॉल्व्स सम इक्वेशंस एज वेल एज EWMA इन्वॉल्व सम इक्वेशंस, ठीक है ना, वो इक्वेशंस को मैं लिखूंगा सीधा. वो इक्वेशंस कहाँ से आया, अपने को उसका मैथमेटिकल फोकस लेके भी नहीं आना FRM में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैथ्स पार्ट ऑफ इट. बट थोड़ा सा जो वो इक्वेशंस का इंट्यूशंस है वो नेक्स्ट क्लास में दूंगा मैं. आज वाला क्लास आई एम डेडिकेटिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, कि अपने कैसे उस गार्च का को यूज़ करेंगे इन एस्टिमेटिंग द वोलाटिलिटीज़, कैसे अपने EWMA को यूज़ करेंगे इन एस्टिमेटिंग द वोलाटिलिटीज़. साथ साथ मैं आपको थ्योरेटिकल बेस उस चीज़ का देता रहूँगा, ठीक है ना. तो जस्ट टू बी कन्वर्सेंट, आज अपने क्या करेंगे, फर्स्ट इज आज अपने गार्च करने वाले हैं, और गार्च करने से पहले अपने को EWMA भी करना पड़ेगा, ठीक है. एंड सेकेंड इज देर इज समथिंग कॉल्ड MDE, मल्टी वेरिएट डेंसिटी एस्टिमेशन, MDE, या इसको KDE बोलते हैं. ये जो टॉपिक है KDE या MDE, ये आपका वोलाटिलिटीज में नहीं दे रखा, ये आपका वार में दे रखा है. जब आप वार में जाओगे आगे जाके वैल्यू एट रिस्क में, वहां पे दे रखा है, बट मैं इसको आज ही आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना, MDE और KDE, ठीक है. दिस इज कॉल्ड कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन. और इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएट डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है. थर्ड इज देर इज समथिंग कॉल्ड पावर लॉ. पावर लॉ, ये तीनों के तीनों एल्गोस जो हैं, ये तीनों प्रैक्टिकल एल्गोस हैं, ठीक है ना. तो ये तीनों एल्गोस को मैं आज दिखाऊंगा, साथ साथ उसका थ्योरेटिकल बेस भी क्लियर करूंगा. एंड नेक्स्ट क्लास में अपना मे बी इसका क्वेश्चंस या इसका और इंट्यूशंस जानेंगे कि ये मॉडल कर क्या रहा है, ठीक है ना. ये जो तीनों मॉडल्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वाइज भी, बिकॉज गार्च बहुत ज़्यादा यूज होता है, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना. अगर आप कल को जाओगे इंडस्ट्री में एंड यू आर वर्किंग इन एनालिटिक्स और रिस्क मॉडलिंग, आप एक्चुअल में रिस्क का कैलकुलेशंस कर रहे हो, कर्नल डेंसिटी इज वेरी वेरी फेमस फॉर देयर, ठीक है ना. कैसे अपना मॉडलिंग में यूज करते हैं इसको आज देखेंगे, ठीक है. और इसका बुक्स में भी बहुत टर्म्स दे रखा है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का, पार्ट टू में भी आएगा, तो अपने प्रैक्टिकली जान लेंगे तो फायदा ही रहेगा, ठीक है. और ये अपने को करना है पावर लॉ. पावर लॉ ऑल दो प्रैक्टिकल है बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं. गार्च जो है, गार्च में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, गार्च में अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें पैरामीटर एस्टिमेशन करना पड़ेगा यूजिंग MLE. तो MLE अपने ऑलरेडी करके आए थे, आज अपने MLE कहाँ करेंगे, गार्च में करेंगे और EWMA में भी करेंगे, ठीक है. तो MLE आई होप सबको याद है, अपने आज उसको वापिस से देखेंगे तो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा आपको. सेम प्रोसेस है जो पहले किया था, सेम अपने यहां पे करने वाले हैं, ठीक है. एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपने लास्ट क्लास में क्या किया था. सबसे पहले हमने बोला था कि वी आर फाइंडिंग आउट करंट वोलाटिलिटी. करंट वोलाटिलिटी का मतलब क्या है, अपने आज खड़े होके कल के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, आज खड़े होके कल के लिए वोलाटिलिटी को फोरकास्ट कर रहे हैं. व्हाट आर द मेथड्स दैट वी कैन यूज, वी कैन यूज आइदर ऑफ द थ्री मेथड्स, सिंपल मूविंग एवरेज और EWMA और गार्च, ठीक है ना. सिंपल मूविंग एवरेज क्या बोलता है, समेशन आर स्क्वायर बाय एन. एन किस पे डिपेंड करेगा, विंडो साइज पे. अगर मैं विंडो साइज बढ़ा लूंगा दैट इज स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट, और लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, इनोवेशन का प्रॉब्लम है कि मैं जो रिसेंट रिटर्न है उसको कम वेट दे रहा हूं. अगर मैं विंडो साइज छोटा लूंगा, अच्छी बात क्या है, अपने इनोवेशन लेके आ रहे हैं, मैं रिसेंट रिटर्न को भी अच्छा खासा वेट दे रहा हूं, बट प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको कहा था वोलेटिलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे वोलेटिलिटी के? एक तो वोलेटिलिटी शुड इनकॉर्पोरेट इनोवेशन, इसको इनोवेशन मैंने बोला था या इसको अडेप्टेबिलिटी बोला था? सेकंड, वोलेटिलिटी शुड बी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट को अपने क्लस्टरिंग भी बोला था। एंड थर्ड इज मीन रिवर्जन। तो बोलना क्या चाह रहे हैं, पास्ट में आपका रिटर्न्स जो है वो 2-3% के आसपास रहा है, तो आपका वोलेटिलिटी जो है वो 2-3% के आसपास आएगा, ठीक है ना? आपका वोलेटिलिटी 2-3% के आसपास आएगा। आज आपका एक बड़ा रिटर्न आ गया, सपोज 16%, उस 16% के कारण क्या वोलेटिलिटी का फोरकास्ट कुछ अपडेट नहीं होना चाहिए हायर लेवल पे? यस, वो बढ़ना चाहिए, दैट इज इनोवेशन। और परसिस्टेंट क्या हुआ कि आप इतना भी मत बढ़ाओ कि उसको 15% कर दिया एक रिटर्न को देख के, वो रहेगा, वो 2-3% के पास रहेगा, बट आपको इनोवेशन करंट रिटर्न को भी एक वेट देना चाहिए। वो टंगेगा उस तरफ 16% की तरफ, बट इतना भी नहीं टंगेगा कि आप बोल रहे हो नेक्स्ट टाइम वोलेटिलिटी इज 15% एक रिटर्न को देख के। तो यू शुड कीप परसिस्टेंस इन माइंड एज वेल एज इनोवेशन इन माइंड। एंड थर्ड इज मीन रिवर्जन। अपना वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, ऑल थ्री मार्केट वेरिएबल्स हैव अ मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी। मतलब अगर वो बढ़ रहे तो एक लेवल पे आके वो गिरना चालू हो जाएगा टुवर्ड्स द मीन रिवर्जन लेवल, अगर वो गिर रहे तो वो बढ़ना चालू हो जाएगा टुवर्ड्स द मीन रिवर्जन लेवल, ठीक है ना? मीन रिवर्जन लेवल का मतलब क्या होता है, अभी वापस से समझाऊंगा। सपोज ये आपका मीन रिवर्जन लेवल है, ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो उस तरफ जाएगा, अगर आपका इंटरेस्ट रेट हायर हुआ तो मीन रिवर्जन लेवल की तरफ वापस आएगा, गिरा वापस मीन रिवर्जन लेवल की तरफ ऊपर जाएगा। दिस इज कॉल्ड मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी। अभी और ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना? आपने सिर्फ ये बोला था कि वोलेटिलिटी में ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होना ही चाहिए, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी, परसिस्टेंस और क्लस्टरिंग, एंड थर्ड इज मीन रिवर्जन। परसिस्टेंस का मतलब हिस्टोरिकल लेवल के पास रहे, उससे बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, ठीक है ना? एंड इनोवेशन का मतलब करंट रिटर्न का भी एक वेटेज होना चाहिए इन डिटरमाइनिंग द वोलेटिलिटी। अगर आपका रिटर्न 16% हो गया है, वोलेटिलिटी शुड बी फोरकास्टेड अपवर्ड्स। अगर आपका रिटर्न बहुत गिर गया है, वोलेटिलिटी शुड बी फोरकास्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है ना? तो इनोवेशन एज वेल एज परसिस्टेंस उसमें होना चाहिए, एंड साथ ही साथ एक मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी होना चाहिए, बिकॉज वोलेटिलिटी एक लेवल के बाद गिरना चालू हो जाएगा या वो एक लेवल तक बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी बढ़ते 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 80-90% हो जाएगा, उसका एक मीन रिवर्जन लेवल रहता ही है, ठीक है? सिंपल मूविंग एवरेज में क्या इनोवेशन था, वो डिपेंड करेगा विंडो साइज में, परसिस्टेंस नहीं था, मीन रिवर्जन नहीं था, ठीक है ना? सिंपल मूविंग एवरेज में इनोवेशन डिपेंड करेगा विंडो साइज पे, परसिस्टेंस वैसे था बट अपने डायरेक्टली बात नहीं किए थे परसिस्टेंस का, एंड मीन रिवर्जन तो था ही नहीं, ये अपने ड्रॉबैक में ही बात किए थे। वैसे तो परसिस्टेंस है ही बिकॉज अपने हिस्टोरिकल डेटा को देख के ही निकाल रहे हैं, बट अलग से उसका स्पेसिफिकली बात नहीं किए थे। EWM में स्पेसिफिकली लेके आने वाला है इनोवेशन को और परसिस्टेंस को, ठीक है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं EWM से, इक्वेशन लिखो उसका। EWM क्या बोलता है, सिग्मा स्क्वायर n इज इक्वल टू को मैं आर ही कर देता हूं, बेटर रहेगा। अल्फा इंटू प्रीवियस रिटर्न स्क्वायर आर स्क्वायर एन माइनस वन प्लस बीटा इंटू लैग्ड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एन माइनस वन। मतलब अगर मेरा एन 10 है तो पहली बात है मैं किस दिन का वेरिएंस फोरकास्ट कर रहा हूं, 10th का, कब खड़े होके कर रहा हूंगा, 9th को, ठीक है ना? अगर मैंने यहां पे 10 लिखा है इसका मतलब मैं 10th डे का वेरिएंस फोरकास्ट कर रहा हूं, कब कर रहा हूंगा, 9th डे को खड़ा होके। तो क्या मेरे पास 9th डे का वेरिएंस होगा? यस। क्या मेरे पास 9th डे का रिटर्न होगा? यस। मैं अब उनको वेट दे रहा हूं, अल्फा इंटू आर स्क्वायर एन माइनस वन प्लस बीटा इंटू सिग्मा स्क्वायर एन माइनस वन, या मैं इसको बोल सकता हूं ऐसे लिखो लैम्डा इंटू
आर स्क्वायर एन माइनस वन, एक मिनट एक लाइन लिखो पहले, बेटर रहेगा, एक लाइन लिखो, आर स्क्वायर एन माइनस वन, आर स्क्वायर एन माइनस वन डिनोट्स इनोवेशन, आर स्क्वायर एन माइनस वन डिनोट्स इनोवेशन, इनोवेशन डिनोट कर रहे हैं, एंड अल्फा इज द इनोवेशन फैक्टर, एंड अल्फा इज द इनोवेशन फैक्टर, सिग्मा स्क्वायर एन माइनस वन, सिग्मा स्क्वायर एन माइनस वन, सिग्मा स्क्वायर एन माइनस वन डिनोट्स लैग्ड एल ए डबल जी ई डी लैग्ड वेरियंस डिपिक्टिंग परसिस्टेंस एंड बीटा इज द परसिस्टेंस फैक्टर, 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 इसको ऐसे लिख देना, और आई कैन से लैम्डा इंटू सिग्मा स्क्वायर एन माइनस वन इंटू वन माइनस लैम्डा इंटू आर स्क्वायर एन माइनस वन, अल्फा बीटा लिखवाने का भी रीजन है, लैम्डा लिखवाने का भी रीजन है, ठीक है। तो मैं एक वेट दे रहा हूं लैग्ड वेरियंस को, परसिस्टेंस को एक वेट दे रहा हूं और इनोवेशन को एक वेट दे रहा हूं। सपोज लैम्डा आपका 94% है, सपोज लैम्डा इज 94%, मतलब मैं 94% वेट दे रहा हूं परसिस्टेंस को एंड 6% वेट दे रहा हूं इनोवेशन को, ठीक है ना, 94% परसिस्टेंस एंड 6% इनोवेशन, टोटल वेट कितना होने वाला है, 1, टोटल वेट तो 1 रहने वाला है। सेकेंडली, क्या लगता है किसको ज्यादा वेट देते होंगे, परसिस्टेंस को या इनोवेशन को? परसिस्टेंस को, बिकॉज परसिस्टेंस तो पास्ट कितने रिटर्न्स को डिपिक्ट कर रहे हैं ना, इनोवेशन तो सिर्फ एक रिटर्न है उसको वेट मिलेगा, बट ऑब्वियसली किसका वेट बहुत ज्यादा रहने वाला है, परसिस्टेंस का, बिकॉज वो तो पास्ट के कितने सारे रिटर्न्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर, एंड ये एक सिंगल रिटर्न है, इसको मैं वेट दे रहा हूं, बट सबसे ज्यादा वेट किसका रहेगा और बहुत हाई वेट रहेगा, परसिस्टेंस का, ठीक है ना। ये EWMA का इक्वेशन है। अब मुझे इसमें निकालना क्या है, मुझे लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालना है, कैसे निकालना है, यूजिंग मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन, ठीक है ना। ये इक्वेशन समझ आया कैसे कर रहे हैं, अपने एक वेट दे रहे हैं टू परसिस्टेंस एंड एक वेट दे रहे हैं टू इनोवेशन, परसिस्टेंस को वेट दे रहे हैं लैम्डा, इनोवेशन को वेट दे रहे हैं 1 माइनस लैम्डा। ऑब्वियसली परसिस्टेंस का वेट बहुत ज्यादा हाई रहेगा बिकॉज दैट इज डिपिक्टिंग रिटर्न्स ऑफ पास्ट कितना सारा डेज, एंड दिस इज ओनली 1 रिटर्न, तो उसको भी मैं वेट दे रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन। क्या गार्च मॉडल में मीन रिवर्जन कैप्चर हो रहा है, सॉरी EWMA मॉडल में क्या मीन रिवर्जन कैप्चर हुआ? नहीं हुआ, मेरे को अलग से कोई टर्म मीन रिवर्जन का नहीं दिखा, तो इसका मतलब EWMA का ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट कैप्चर मीन रिवर्जन, ठीक है ना। तो एक बार लिखो, द पैरामीटर लैम्डा इज परसिस्टेंस फैक्टर, इज परसिस्टेंट फैक्टर, लिखो एग्जाम्पल लैम्डा इक्वल टू 94%, इट मींस 94% weight इज गिवन टू परसिस्टेंस, वाइल 6% weight इज गिवन टू इनोवेशंस, while 6% weight is given to innovation, ठीक है। तो मैं 10th day का variance forecast कर रहा हूं, 9th day को खड़ा होके,
तो मेरे पास नाइन्थ का रिटर्न है, नाइन्थ का वेरियंस है, उनको मैं एक वेट दे रहा हूँ। जो मेरा नाइन्थ का वेरियंस है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? वो परसिस्टेंस डिपिक्ट कर रहा है। करंट लेवल क्या है? करंट लेवल ऑफ वेरियंस। अगर आप नाइन्थ को खड़े होके नाइन्थ का वेरियंस ले रहे हो, कैन आई से दिस इज करंट लेवल ऑफ वेरियंस? यस, दिस इज माई करंट लेवल ऑफ वेरियंस। तो ये परसिस्टेंस डिपिक्ट कर रहा है कि मेरा वेरियंस अभी कहाँ पे खड़ा है, मुझे उसके पास रहना है। बट कौन उसको खींच रहा है? इनोवेशन उसको खींच रहा है। जो अपना उस दिन रिटर्न हो गया, उस दिन जो अपना रिटर्न हुआ वो उसको खींच रहा है अपनी तरफ। दैट इज योर इनोवेशन। ठीक है, अब आगे लिखो, वी फाइंड दिस पैरामीटर लैम्डा, वी फाइंड दिस पैरामीटर लैम्डा यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन MLE। ठीक है, तो मैं डेटा लेके दिखा रहा हूं MLE कैसे करते हैं अपने। ठीक है, वेरियंस के केस में, EWMA के केस में MLE से कैसे अपने लैम्डा निकालने वाले हैं। अपने ऑलरेडी MLE को समझ चुके हैं, वापिस से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, याद आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो मैं डेटा एक न्यू शीट पे ले रहा हूं। मैंने बेसिकली सेंसेक्स का डेटा लिया है 10th दिसंबर 2014 से लेकर 9th दिसंबर 2016। ठीक है ना, एंड मैं सेंसेक्स का वो लैटिलिटी फोरकास्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या क्या मेथड यूज करने वाला हूं? SMA, EWMA और GARCH, और अंदर ही अंदर अपने देख लेंगे कैसे अपने पैरामीटर एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्लोजिंग प्राइजेस है सेंसेक्स का 10th दिसंबर 2014 को, इट वॉज एट लेवल्स ऑफ 27,831। 9th दिसंबर 2016 को इट इज 26,747। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सिंपल मूविंग एवरेज करना है क्या करूंगा? रिटर्न्स निकालेंगे। रिटर्न्स कैसे निकालेंगे? LN ऑफ करंट रिटर्न बाय प्रीवियस रिटर्न। इससे मेरा क्या आएगा? कंटिन्यूअस रिटर्न्स आएगा। अपने रिटर्न्स किस टर्म में बात करते हैं? कंटिन्यूअस रिटर्न्स में। ठीक है, रिटर्न्स आ गया मेरा, दिस इज माय रिटर्न्स। रिटर्न्स के बाद अपने क्या बोलते हैं? रिटर्न्स का एवरेज, एक बार एवरेज चेक करें। यहां पे दिख रहा है आपको एवरेज? -8.04151E-05। ई का मतलब होता है 1/10। तो बोल रहे हैं 1/10^5। जीरो के पास ही है ना, बिल्कुल जीरो के पास है। अपना डेली रिटर्न्स जो है वो जीरो के पास है, यही अपने एजम्पशन लिए थे। तो वो एजम्पशन एक्चुअल में दिखता है आपको डेटा में, कि आपका डेली रिटर्न्स एवरेज रिटर्न कितना होगा? जीरो, एज पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। कि एफिशिएंट मार्केट में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द स्टॉक प्राइस टुमारो, सो द बेस्ट प्रिडिक्शन विल बी द करंट स्टॉक प्राइस सच दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू जीरो। दिख गया आपको डेटा में भी? तो कहना इससे कि मुझे मीन का जरूरत नहीं है। यस yes, मैं सीधा क्या करूंगा? आर स्क्वायर निकालूंगा। इक्वल टू रिटर्न्स स्क्वायर। रिटर्न स्क्वायर, ठीक है ना, रिटर्न स्क्वायर मेरा आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है? रिटर्न स्क्वायर निकालने के बाद उसका एवरेज निकालना है। उसका एवरेज निकाल लूंगा तो मेरा सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या आएगा? वेरियंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो वेरियंस निकाल देते हैं। इज इक्वल टू सपोज सम ऑफ ऑल द रिटर्न स्क्वायर डिवाइडेड बाय काउंट, दैट इज एन। लेट अस चेक अपना वेरियंस कितना आया है। वेरियंस आ रहा है 0.000972। वोलेटिलिटी निकालते हैं, .0098। रिटर्न कितना था? जीरो। वोलेटिलिटी आपको फिर भी एक नंबर दिख रहा है 0.0098।
तो जब आप वार में जाओगे फ्यूचर में, तो वहां आपको पता लगेगा कई जगह ऑथर ने बोला हुआ है कि आप मीन को जीरो मान लो। वो जीरो इसलिए मान रहे हैं बिकॉज मेरे लिए रिस्क निकालना इज ओनली डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटिंग वोलेटिलिटी। मीन वैसे भी बहुत कम ही आने वाले जीरो के पास, बट वोलेटिलिटी इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। वन डे का वोलेटिलिटी आया ये, दिस इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है ना। वन डे के हिसाब से दिस इज अ बिग नंबर, तो मैं इसको लेके अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो अपने वार में देखेंगे। दिस इज माई वन डे वोलेटिलिटी। अगर मुझे 10 डेज वोलेटिलिटी निकालना है, कैसे निकालूंगा? 10 डेज वोलेटिलिटी कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू वन डे वोलेटिलिटी। बिकॉज अपने क्या बोलते हैं, मीन इज प्रपोर्शनल टू टाइम एंड वोलेटिलिटी इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो मैं क्या लूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10, सॉरी, इंटू वन डे वोलेटिलिटी। दिस इज माई 10 डे वोलेटिलिटी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मेरे को वन ईयर वोलेटिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अपने कितने वर्किंग डेज मानते हैं? 252। तो मैं बोलूंगा इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 252 इंटू वन डे वोलेटिलिटी। 252 क्यों मानते हैं? बिकॉज देखा गया हिस्टोरिकली, एक एम्पेरिकल रिसर्च हुआ था कि अगर अपने 365 डेज का डेटा लें स्टॉक प्राइजेस का, तो जिस दिन हॉलीडे रहता है ना, जिस दिन नॉन बिजनेस डे रहता है, ठीक है, जो अपने वीकेंड्स हो गए, जब मार्केट क्लोज रहता है, उस दिन वोलेटिलिटी बहुत ही कम रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो उस केस में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज नंबर्स। वो नंबर्स को टांग देंगे अगर मैं 365 लूंगा तो। दैट इज़ वाई आई टेक 252 वर्किंग डेज इन अ ईयर। उसके बेसिस पे आई कैन फाइंड आउट वन ईयर वोलेटिलिटी विच इज कमिंग आउट एज 15.65%। तो मेरा वन ईयर वोलेटिलिटी एज पर सिंपल मूविंग एवरेज कितना आया? 15.65%। किसी को डाउट इसमें? मैंने यहाँ पे जितना भी डेटा था उसको विंडो साइज मान लिया, ठीक है ना। विंडो साइज का डिस्कशन नहीं किया यहाँ पर, वो आप कर सकते हो, वो अपने लास्ट क्लास में किया था डेटा के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें EWM में। मैं सेम डेटा दूसरी शीट में कॉपी कर रहा हूं। अगेन अपने रिटर्न्स निकालेंगे। रिटर्न्स निकालने के बाद रिटर्न स्क्वायर, रिटर्न स्क्वायर मेरा आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? मुझे अब वेरिएंस निकालना है एज पर EWM में, ठीक है ना। फर्स्ट वेरिएंस को तो मैं रिटर्न स्क्वायर ही मान लूंगा। क्यों मान लूंगा? अभी आपको दिख जाएगा। सेकंड टाइम्स में क्या करूंगा? इक्वेशन यूज करना चालू करूंगा अपना। तो फर्स्ट टाइम तो मैं इक्वेशन नहीं बना सकता बिकॉज मेरे पास आर स्क्वायर नहीं है, बट सेकंड टाइम से आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशन, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या मान लिया? रिटर्न स्क्वायर ही मेरा वेरिएंस है। मुझे क्या पैरामीटर चाहिए? लैम्डा। तो आई एम जस्ट राइटिंग लैम्डा। लैम्डा इज सपोज 0.94। मैंने एक सीड वैल्यू एज्यूम कर लिया, सपोज मैं 0.90 भी एज्यूम कर सकता हूँ। शुरू में अपने जो एज्यूम करते हैं उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? सीड वैल्यू। तो मैंने एक सीड वैल्यू एज्यूम कर लिया। इस सीड वैल्यू के बेसिस पे क्या मैं वेरियंस निकाल सकता हूँ नेक्स्ट डे का? यस, क्या होगा बोलो? लैम्डा इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा? लैम्डा को रिटर्न से मल्टीप्लाई करूंगा या वेरिएंस से? प्रीवियस डेज वेरिएंस, ठीक है ना। लैम्डा इंटू प्रीवियस डेज वेरिएंस प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू प्रीवियस डेज रिटर्न। देखो उधर, वन माइनस लैम्डा इंटू प्रीवियस डेज रिटर्न स्क्वायर। हाँ, पहला वैल्यू तो लेना ही पड़ेगा ना मन से कुछ। ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, एग्जाम में थोड़ा ऐसे करना होगा, बट प्रैक्टिकली कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली अपने पहला वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि वो सेम ही है। ये हर एक जगह रहता है, टाइम सीरीज में भी रहता है, यहां पे भी है। प्रैक्टिकली बात हो रहा है कि ऐसी होता ही है, ठीक है।
ठीक है ना, कोई एजम्पशन नहीं किया, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो पहला वैल्यू क्या लूंगा बोलो? पिछला कहां से आएगा? कहीं से तो आया होगा ना पिछला, कहीं भी अगर पहला पिछला में पहुंचोगे तो पहले खड़े होके क्या बोलोगे? कभी ना कभी तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट डे अपने क्या मान रहे हैं, वेरियंस इज इक्वल टू रिटर्न स्क्वायर, सेम. सेकंड डे से मैंने क्या किया, ईडब्ल्यूएमए का इक्वेशन पुट कर दिया. क्या पुट किया, लैम्डा इंटू प्रीवियस डेज वेरियंस प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू प्रीवियस डेज रिटर्न. मैं किस दिन का वेरियंस फोरकास्ट कर रहा हूँ, सेकेंड डे का. कब खड़ा होके, फर्स्ट डे पे, ठीक है ना. ये मेरा ई डब्ल्यू एम ए के हिसाब से सारे दिन में वेरिएंस आ गया. अब मुझे एम एल ई में क्या करना होता है, सबसे पहले अपने क्या निकालते हैं, लाइकलीहुड. लाइकलीहुड निकालते हैं, ठीक है. लाइकलीहुड कैसे निकालते हैं, वहां पे अपने किया था एम एल ई में, जब अपने लाइकलीहुड करते हैं तो वो डिपेंड करेगा आप कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में बैठे हो, उसका फंक्शन आपको यूज करना होगा. अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो आप वेरिएबल डिस्ट यूज करोगे, अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मल डिस्ट यूज करोगे. अपने यहां पे क्या करेंगे, अपने यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करने वाले हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन ये होता है, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू पाए सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर. यहां पे आर और आर बार है मेरा, एक्स इज रिटर्न्स. ये इक्वेशन होता है, ऑल्दो आपको ये इक्वेशन कहीं टेस्ट नहीं करने वाला एग्जाम में, बट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन जानोगे नहीं, एक बार देखा भी नहीं होगा, तो आपको फ्यूचर में डिफिकल्टी लगेगा, ठीक है ना, घुस नहीं पाओगे स्टैट्स में. तो ये सबसे बेसिक इक्वेशन वैसे आपको पता होना चाहिए, यू डोंट हैव टू लर्न इट, कहीं अपना एग्जाम में टेस्टेबिलिटी भी नहीं है इसका, ठीक है. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इसमें रिटर्न का वैल्यू डालूंगा, सिग्मा का वैल्यू डालूंगा और मीन का वैल्यू डालूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट देगा, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट. तो मैंने पैरामीटर्स डाले आर बार सिग्मा स्क्वायर और मैंने एक वैल्यू डाला जिस पे मैं प्रोबेबिलिटी को देखना चाहता हूं, दैट इज माय आर. तो मेरा क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी निकलेगा. अब इस वाले केस में मेरा आर बार कितना है, जीरो, ठीक है ना, यहां पर स्क्वायर होता है ये, तो आर बार मेरा जीरो है, तो ये क्या बना, आर स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर. तो ये बन गया वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू पाए सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस हाफ आर स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर. क्या आर स्क्वायर मेरे पास है, यस. क्या सिग्मा स्क्वायर मेरे पास है, यस. अपने निकाला है अभी, तो मेरा क्या आएगा, लाइकलीहुड आएगा. एम एल ई का मतलब क्या था, मैक्सिमाइजिंग द लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा, मैक्सिमाइजिंग द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा, एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज अपना निकल रहा है, ज्वाइंट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, बट प्रोडक्ट करना इज डिफिकल्ट, तो अपने उसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे एंड वो एडिशन प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है ना. तो लेट मी शो इट. तो आई विल से वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरियंस. इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ इंटू रिटर्न स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, रिटर्न स्क्वायर डिवाइड बाय वेरियंस. क्लियर है, ये मैंने लिखा वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर. क्लियर है, तो मेरा लाइकलीहुड कितना आया, 29.27, ठीक है ना. ये क्या आया मेरा लाइकलीहुड, ये लाइकलीहुड अपने नॉर्मल से क्यों निकाले, बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि रिटर्न्स आर फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मैं कोई और डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करता तो मैं वो यूज करता, बट हेयर आई एम एज्यूमिंग रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है लाइकलीहुड. क्या करेंगे अब, इसका लॉग लेंगे, लॉग लाइकलीहुड.
दैट इज इक्वल टू एल एन ऑफ लाइकलीहुड, नेचुरल लॉग उसका ले रहे हैं बिकॉज एल एन ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी. तो मेरा प्रॉब्लम एडिटिव प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना, मैथमेटिकली भी अपने ऐसे ही करते हैं. तो मैंने लॉग ले लिया, ठीक है ना. अब क्या करेंगे, सम ऑफ लॉग लाइकलीहुड्स, दैट इज सम ऑफ ऑल दिस लॉग लाइकलीहुड्स. अब मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूं, मैक्सिमाइज भी. सपोज यहां पे मैक्सिमाइज करते हैं, पहले अपने मिनिमाइज किए थे. तो मैं क्या करूंगा, इस लैम्डा को इस तरीके से चेंज करो कि माय सम ऑफ लॉग लाइकलीहुड इज मैक्सिमम. इस लैम्डा को इटरेटिव अप्रोच में अलग अलग इटरेशंस डाल के देखो. लैम्डा को 0.9 लिया, ये वैल्यू आया. 0.92 लिया, ये वैल्यू आया. 0.94 लिया, ये वैल्यू आया. ऐसे सारे रेंज में वैल्यूज चेक करके ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे ये वैल्यू मैक्सिमाइज होता है. दैट इज डन यूजिंग सॉल्वर. तो व्हाट इज माय टारगेट सेल, सम ऑफ लॉग लाइकलीहुड्स. आई वांट टू मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज बाय चेंजिंग सेल. किस सेल को चेंज करें, लैम्डा. एड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट ऐड करता हूं. क्या बोल सकता हूं, लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए. यस, लैम्डा लेस देन वन होना चाहिए. यस, तो मैं दो कंस्ट्रेंट डाल रहा हूं, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा लेस देन इक्वल टू वन. तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके, एड लैम्डा लेस देन इक्वल टू वन, बिकॉज मैक्सिमम वेट कितना होगा, वन. ठीक है, सॉल्व. एक मिनट. ओ, अपने फ्रीजिंग गलत कर दिया, एक मिनट. तो वापिस से कर रहा हूं, सॉल्वर मैक्सिमाइज बाय दीज कंस्ट्रेंट्स. तो दिख रहा है आपको, उसने यहां पे सॉल्व किया था. एक बार वापिस से दिखा रहा हूं. सपोज लैम्डा 0.9 ले लेते हैं. ठीक है, स्क्रीन में यहां पर देखना, यहां पे वो अलग अलग इटरेशंस करके क्या करता है, एक पॉसिबल वैल्यू आपको देगा. बहुत फास्ट होता है तो दिखेगा नहीं मे बी, बट आप ट्राई करना सॉल्व. ट्रायल सॉल्यूशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो वैसे वो इटरेशंस कर रहे हैं एंड एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके स्टॉप कर दिया. तो मेरा लैम्डा कितना आया, 0.98. ठीक है ना, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट लैम्डा यूजिंग एमएलई, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन. दैट इज मैक्सिमाइजिंग the probability of observing the data. ठीक है, maximizing the joint probability of observing the data. उसके बाद उसका क्या कर रहे हैं, log likelihood ले रहे हैं. ठीक है, किसी को note करना है तो कर लो, note करना है तो कर लो. ऐसा करो, पहला column बना दो dates, पहला column dates, second column closing price. Dates, second column closing price, third column returns, returns, पहले columns बना रहे हैं अपने खाली. Fourth column return square, return square. Fifth column variance. और वेरिएंस के नीचे एरो टांग के लिखना, टेक अ सीड वैल्यू ऑफ लैम्डा. एंड फोरकास्ट द वेरिएंस यूजिंग द ईडब्ल्यूएमए इक्वेशन. एंड फोरकास्ट द वेरिएंस यूजिंग द ईडब्ल्यूएमए इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम बनाओ लाइकलीहुड. लाइकलीहुड में लिखो एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लिखने वाइज लिख दो खाली, बट स्ट्रेस मत लेना इसका. लिखने वाइज लिख दो इसको, या ऐसे लिख दो.
लिखने वाइज लिख दो इसको, हाँ लाइक्लीहुड के नीचे लिख दो एरो टांग के, कि अपने लाइक्लीहुड ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये कहां से आ रहा है मेरा? ई डब्ल्यू एम ए वेरियंस। ये कहां से आ रहा है मेरा? आर स्क्वायर, दिस इज रिटर्न स्क्वायर। प्लीज एक थोड़ा सा माइंडसेट रखो प्रैक्टिकल सीखने का। आप लोग पास कर लोगे एग्जाम, आओगे कि सर पैसे ले लीजिए कोर्स करवा दीजिए, मैं आपको करवा रहा हूं ऑलरेडी सब कुछ, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है उसका। अपना बेस्ट पढ़ाई उसी वक्त होता है जब अपने पढ़ रहे हैं बैठ के। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, थोड़ा सा उसका रखो 10% अपने माइंड में कि अपने को प्रैक्टिकली भी जानना है, ठीक है। और ये सिग्मा स्क्वायर अगेन ई डब्ल्यू एम ए वेरियंस। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा लॉग लाइक्लीहुड। तो बना दो लॉग लाइक्लीहुड। उसके अंदर एरो डांग के लिख देना बाय टेकिंग नेचुरल लॉग, बाय टेकिंग नेचुरल लॉग। अब बाहर आके लिखो